दोस्तों आज के टाइम में 90% प्रॉब्लम का केवल एक सोल्यूशन होता है और वो है पैसा। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है आपको हर एक काम करवाने के लिए कई सारे चक्कर लगाने होंगे और कई सारे लोगों की गुलामी करनी होगी। लेकिन यदि आपके पास पैसा है, आपका एक लेवल है, तो आपका हर एक काम करने के लिए हजारों लोग आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। और ये मात्र एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी और भी हजारों चीजें आपके साथ होने लगती है जब आपके पास पैसा हो, आपका नाम हो और आपका एक स्टेटस हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल हम सभी के सामने यही आता है कि हम सभी अमीर तो बनना चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस बिजनेस में जाना चाहिए, किस जॉब या किस काम को करना चाहिए जिससे हम उतना अमीर बन सके। तो यार इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई चाहे आप दुनिया का कोई सा भी काम करते हैं, हो सकता है आपकी नजर में वो काम बहुत बोरिंग हो और बहुत कम इनकम वाला हो और आप उस काम को बदल कर किसी ऐसे काम या बिजनेस में जाना चाहते हो जिसमें लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो यार ये केवल आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, 90% से ज्यादा लोग उस फील्ड में नाक के बराबर पैसे कमाते हैं, लेकिन 10% लोग उसी फील्ड से करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसी सेम काम को करके लग्जरी लाइफ जीते हैं। यानी आपको अमीर बनने और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए अपनी फील्ड से भागने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको किसी भी दूसरे इंसान की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ही फील्ड में उस चीज को सीखना है जो कि 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते, जो एवरेज लाइफ जीते हैं, बहुत कम पैसा कमाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन 10% लोग जानते हैं जो कि करोड़ों रुपए कमाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और कई लोगों को अपने दम पे नौकरियां देते हैं। और यदि आप इस बात से एग्री करते हो, आप इस चीज को सच मानते हो, तो यार आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम उन 90% लोगों के बारे में नहीं बल्कि उन 10% लोगों की ऐसी कॉमन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि चाहे वे लोग लोहे के बिजनेस में टॉप पर हो या फिर सोने के बिजनेस में, लेकिन उनमें कुछ ऐसी कॉमन आदतें होती है जो कि उन्हें उस लेवल तक पहुंचाती है। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन 10% लोगों की सबसे टॉप 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, कम बोले और ज्यादा सुने। दोस्तों यह हैबिट सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती है कि यार इस हैबिट से कोई भी इंसान कैसे बड़ा आदमी बन सकता है, कोई भी इंसान कैसे अमीर बन सकता है, लेकिन यह हैबिट जितनी सिंपल है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसीलिए यह हैबिट इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखिए या फिर उन्हें किसी से बात करते हुए देखिए और तब आप इस बात को नोटिस कीजिए कि कौन सा इंसान बहुत कम बोलता है और ज्यादा सुनता है और कौन सा इंसान बहुत ज्यादा बोलता है और बहुत कम सुनता है। जो इंसान जितने ज्यादा बड़े लेवल पर होगा वो उतना ही कम बोलेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस या किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए सबसे मेन रोल हमारे लेवल का होता है, हमारे स्टेटस का होता है और उस चीज को मेंटेन रखने का काम हमारी जबान करती है, हमारे द्वारा बोले गए शब्द करते हैं। आप किसी भी बिजनेस मीटिंग में जितना अगले इंसान को सुनते हो उतना ज्यादा उसे समझ पाते हो और उसे एक सही जवाब दे पाते हो, यानी एक सही डील कर पाते हो। और इसीलिए हर एक फील्ड में जो लोग टॉप 10% में होते हैं उनमें यह आदत कॉमन होती है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए या टॉप पर जाने के लिए हमारा शुरू से जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत होनी चाहिए। और अब आती है हमारी दूसरी और सबसे जरूरी हैबिट नंबर 2, शुरुआत में दिखावा ना करें। दोस्तों दुनिया के हर एक इंसान को बहुत सारा पैसा कमाने का और अमीर बनने का लाइफ में एक न एक मौका जरूर मिलता है, लेकिन 90% लोग जैसे ही उनके पास पैसा आने लगता है तो वे शुरुआत में ही शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। वे लोन पे महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं, जरूरत ना होने पर भी महंगा स्मार्टफोन खरीद लेते हैं और भी ऐसी कई सारी चीजें, क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है कि अब तो वैसे भी पैसा आने लगा है, धीरे धीरे सभी लोन्स को क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी उन्हीं लोन्स को भरने में निकल जाती है। लेकिन 10% लोग जो हर फील्ड में टॉप पर रहते हैं वो भले ही टॉप पे जाने के बाद करोड़ों रुपए की लग्जरी कार्स में घूमे, लेकिन जब उनके करियर की शुरुआत होती है तब वे अपने थोड़े थोड़े पैसों को भी सही कामों में इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में उनका पूरा फोकस मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में होता है, ना कि उन 90% लोगों की तरह शो ऑफ करने में। वे अपनी कम इनकम को बचाकर धीरे धीरे कई सारे इनकम सोर्स बना लेते हैं, जहां से एक टाइम बाद उनके पास इतनी ज्यादा पैसिव इनकम आने लगती है जिसका एक साधारण इंसान अनुमान भी नहीं लगा सकता। उसके बाद भी वे लोग अपने पैसे को एक सही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनका पैसा और ज्यादा पैसा कमा सके, वह इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। और जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की,
नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव को पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं जिन्हें खुद उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर लगेगा जो कि आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देता है। अगर आप बिना नॉलेज या किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लो। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है, और यही नहीं वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हें है 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस एंड 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स और एक फ्री डीमैट अकाउंट मिलेगा, और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा एंड फ्लैट ब्रोकरेज एट 20 रुपीज पर लोट मिलेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कि बिल्कुल फ्री होगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल यूज कर सकते हैं और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है, आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका नाम, फोन नंबर एंड सिटी डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। हैबिट नंबर 3, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। दोस्तों जो 90% लोग होते हैं वे हर वक्त दूसरे लोगों की बुराई, खुद के काम में होने वाले घाटे और अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। वे हर वक्त खुद को गरीब बताते हैं, अपनी गरीबी का बहाना बनाकर हर चीज में फायदा उठाते हैं। यानी एक लाइन में बोला जाए तो उनका माइंडसेट पूरी तरह से नेगेटिव होता है। और ऐसे लोगों के साथ रहने वाला कोई भी इंसान कभी भी खुद अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या काबिलियत रखते हैं, ये सब कुछ आपके आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है। और इसीलिए हर एक फील्ड में टॉप पे रहने वाले लोग कभी भी इस तरह के लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते जो हर वक्त बस नेगेटिव माहौल बनाकर रखते हो। वे हमेशा पॉजिटिव लोगों को चुनते हैं, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं। क्योंकि हमारी इस दुनिया का ये सिद्धांत है कि यदि आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो 6ठे नेगेटिव इंसान आप होगे, और यदि आप 5 पॉजिटिव और अमीर लोगों के साथ रहोगे तो अगले 6ठे पॉजिटिव और अमीर इंसान आप बनोगे। इसलिए यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो कि हर वक्त आपके साथ नेगेटिव बातें शेयर करता है, हर वक्त आपके साथ केवल प्रॉब्लम्स शेयर करता है, आपको दूसरे लोगों की कमियां बताता है, तो यार जितना जल्दी हो सके आपको उस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की इस हैबिट को अपनाना चाहिए। हैबिट नंबर 4, अपने टाइम की वैल्यू करें। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान फालतू लोगों से फालतू बातें करने में अपने कई घंटे बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन कभी भी अपने टाइम को बेकार चीजों में वेस्ट नहीं करता। यानी उस 10% की लिस्ट में आने वाले लोगों की ये एक कॉमन आदत होती है कि वे अपने फ्री टाइम को बर्बाद नहीं करते, वे फ्री टाइम को कुछ नया सीखने और चीजों को एक्सप्लोर करने में लगाते हैं। लेकिन 90% लोग फ्री टाइम मिलने का इंतजार करते हैं, और जैसे ही उनको थोड़ा सा टाइम मिला वे अपने दिमाग में चलने वाली इधर उधर की बातों को शेयर करने के लिए निकल जाते हैं। वे हर वक्त दुनियादारी की बातों में खोए रहते हैं, और फिर वो ही उनका पुराना घिसा पीटा डायलॉग जो कि वो खुद को दिलासा देने के लिए हमेशा बोलते हैं कि यार वैसे भी टाइम नहीं मिलता, आज टाइम मिला है तो इंजॉय करो। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान जब वे सक्सेस नहीं होता, जब वे एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, तब भी वह अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करता है, अपने टाइम की वैल्यू समझता है, और इसीलिए वह सक्सेसफुल बनता है। और यार अमीर बनने और पैसा कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी यही कहता है कि आप जितना हो सके अपने टाइम का सही यूज करो, तभी संभव है कि आप एक सही समय पर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके अपनी बाकी की लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए यदि आप सच में खुद की लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने आप को उन 10% लोगों की लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने टाइम को वेस्ट करने की हैबिट को छोड़कर अपने टाइम का सही यूज करने की आदत को अपना लीजिए। और अब आती है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, नंबर 5, टेक डिसीजन एंड एक्शन। दोस्तों 90% लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, जब उनका मूड खराब होता है तो वे काम नहीं करते,
और जब उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है तब भी वे काम को टाल देते हैं। वे तभी काम करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो या फिर आखिरी टाइम हो। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूड कैसा है, उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है या फिर वे कितने ज्यादा खुश है, क्योंकि वे कभी भी अपने काम को अपने मूड से जोड़कर नहीं रखते। वे अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, इसलिए वे हर एक मूड में अपने काम को अपना 100% दे पाते हैं और यही वजह है कि वे बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और जब किसी इंसान की हैबिट अपने मूड के हिसाब से काम करने की होती है तो वह इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता, वह कभी भी उतना पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि जब उसके पास थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो वह अपने काम से ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। और जब उसका पैसा खत्म होने लगता है तब वह फिर से काम पे फोकस करता है। इसलिए यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके मूड का आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप हर वक्त अपने काम से रिलेटेड सही डिसीजंस ले पाओगे। तो यार, क्या आप तैयार है खुद को एक बड़े लेवल पर देखने के लिए, खुद को अपनी फील्ड के उन 10% लोगों की लिस्ट में देखने के लिए जो करोड़ों रुपए कमाते हैं और शान की जिंदगी जीते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।